कम्युनिटी किस तरह से ऑनलाइन ज्वाइनिंग के थ्रू, अगर उनके पास मोबाइल अवेलेबल है आप उनको बिल्कुल गाइड करें कि देखें ये आपकी डिटेल्स रिक्वायर होंगी, आप इस तरह से अपनी ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आप उनको हेल्प आउट करें, अदरवाइज आपके पास कोई गैजेट अवेलेबल है तो आप उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ज्वाइन हो जाते हैं। जब हम ज्वाइन हो गए तो सेकेंड पार्ट क्या होता है, दूसरी चीज, सबसे ज्वाइनिंग के बाद हम दूसरी चीज क्या गाइड करते हैं कस्टमर को, अपने कंसल्टेंट को, अपने नेमलेस बनाना, और सर आप लोगों की तरफ से सेल्फ यूजर बनना, प्रोडक्ट्स को पहले खुद ट्राई करना, और आप लोगों में से जिलानी साहब आप कुछ वैल्यूएबल फीडबैक एड कैटलॉग बैक गोल सेटिंग बेसिकली कि क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे ऑन यूज की। सबसे पहले जिस बंदे ने हमें ज्वाइन किया है हम उसको रिकमेंड करेंगे या वो हमसे रिकमेंड करवाएगी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट जो कि उसके इस्तेमाल के लिए, उसके यूज के लिए जरूरी है, और वैसे भी ये जरूरी है, हमने पहले ही दिन अपने कंसल्टेंट से ये बात शेयर करनी है कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट सबसे पहले आपको अपने लिए खरीदनी है, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगी तो मैं सेटिस्फाई होंगी, मुझे उसका रिजल्ट पता होगा कि कितना परसेंट इसका रिजल्ट है, और जब मैं लोगों को रिकमेंड करूंगी तो मेरी जबान मेरे एक्सप्रेशन और मेरे अल्फाज का साथ देगी। वरना हम ऐसी मिस्टेक्स भी करते हैं कि जैसे ही ज्वाइनिंग हुई है अपने लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, हम सिर्फ रिकमेंड करते जाएंगे और ऑर्डर्स लेते जाएंगे, और फिर एक अंबार कंप्लेंट्स का होता है, क्यों? क्योंकि हमारी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ यूजेज, हमें रिजल्ट ही नहीं पता कि वो उसका टेक्सचर कैसा है, उसका यूजेज कैसा है। तो यहाँ हमने इम्पोर्टेंस देनी है सेल्फ यूजिंग की, सबसे पहले हमारी जो कंसल्टेंट है वो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करेगी, तो आपने उसको रिकमेंड करना है या उसने आपसे रिकमेंडेशन लेनी है। उसके साथ साथ थर्ड कम अपनी फेवरेट प्रोडक्ट जो उन्होंने रिकमेंड करवाई या फर्दर जो यूज की उसके बारे में स्टडी करना है कि उस प्रोडक्ट में क्या चीज है, किस एज टाइप पे यूज होगा, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या वो क्या रिजल्ट्स देती है। तो जब उसे, उसके साथ साथ आप उसको कैटलॉग की जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, आप उसके बारे में उसको गाइड करेंगे, ताकि अगर वो पहले ही दिन जाके किसी अपने घर में किसी बंदे से डिस्कस करे और उसके पास सवाल आ जाए कि ये किस चीज के लिए है, ये क्या है, तो उसको थोड़ी सी नॉलेज तो हो डिस्कस करने की, उसको बताने की कि जी ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये चीज अवेलेबल है, या ये इस एज टाइप को दिया जाता है और ये इस तरह की स्किन टाइप के लिए है। तो यहाँ पे सेल्फ यूजेज के साथ साथ उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज, एटलीस्ट फेवरेट प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जो कि वो सबसे शेयर कर रही है, उसके पास बोलने के लिए बॉडी तो हो, स्क्रिप्ट तो हो कि जी क्या हमने बोलना, क्या चीज है एक्चुअली। तो इस तरह से पहला काम हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हुआ, सेकंड काम हमारा सेल्फ यूजिंग का हुआ प्रोडक्ट का, और थर्ड अपनी फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना, और जो ऑफर्स वगैरह भी आप उनको बता सकते हैं जो कि मंथ की हमारी पुशअप्स होती हैं, तो इस तरह से वो डिटेल्स जान सकेगी। इसके बाद फोर्थ काम हमने करवाना है, लिस्ट डाउन करवानी है चीजें जो के प्रोडक्ट्स के उसको ऑर्डर्स मिले, ठीक है। सबसे पहले उसने अपने लिए प्रोडक्ट यूज किया, घर जाकर उसने अपनी बहनों से डिस्कस किया, दो फेस वॉश एक लिपस्टिक ऑर्डर आ गया, तो वो उस ऑर्डर को, ये एक ऑर्डर फॉर्म जैसे हमारा नेम बैंक लिस्ट होता है इसी तरह का अवेलेबल होगा एक पेज, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, कैटलॉग प्राइस सीटी प्राइस और सॉरी कैटलॉग प्राइस एंड कंसल्टेंट प्राइस सीटी प्राइस। तो ये आपका जिस तरह से ऑर्डर फॉर्म रेडी होता है उसी तरह वो खातून पहले दूसरे दिन जैसे ही उसको ऑर्डर मिलेगा यहाँ लिखती जाएगी, और उसके आगे वो लिखेगी अर्निंग्स, वो इमेजिड प्रॉफिट, जो के वो शायद इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते कि हमने पहले ही दिन से कैसे अर्निंग की है, हमने पहले ही दिन से कैसे अर्निंग किया तो हम हासिल कर देंगे, क्योंकि ये वाली रिकमेंडेशन वाली तरीका और ये वाली इमेजेड प्रॉफिट शायद हम बहुत बाद में समझते हैं, हम पहले सबको लगा देते हैं अपने नीचे, पांच लोग ज्वाइन करवाओ, पांच लोग ज्वाइन करवाओ, नेटवर्क बनाओ, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, हम लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं तो लोगों को बताएंगे क्या। एट द एंड क्या होता है, लोग ज्वाइन हो जाते हैं बैठ जाते हैं, लोग काम ही नहीं करते, फोन ही नहीं उठाते हमारा बाद में। तो जब ये स्टेप हम फॉलो कर लेंगे तो एक तो आपके उस कंसल्टेंट को पहले ही दिन से पता होगा, या एक हफ्ते बाद उसके
पास अर्निंग जब 400 रुपए भी आ रही होगी ना तो बोलेगी हाँ कुछ तो मिला है. तो इसलिए हमारे पास ये कॉलम हमें यूज करवाना जरूरी है ताकि वो पहले ही दिन जब आंखों के सामने लिखा हुआ होता है ना हिसाब किताब तो फिर पता चलता है हाँ कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान हुआ. और ये लास्ट पे ये आप लोग सब इससे वाकिफ हैं, ये हमारी नेम बैंक लिस्ट है तो बिल्कुल इसी तरह वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. हम 30 लोगों के हमसे नाम लिखवाएंगे एटलीस्ट, आप लिखें या जितने भी आपको याद आ रहे हैं आप प्लीज स्टार्ट करें लिखना शुरू करें. तो यूं जब वो लिखना शुरू करेंगी तो उसमें से फिर उसको वो कैटेगराइज करेंगी यानी कि मजीद सिलेक्ट करेंगी 5 लोगों को जिनको वो बिजनेस फॉर्म के लिए इन्वाइट करेंगी यानी कि बिजनेस और ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के लिए. और इसके अलावा ब्यूटी वेम्स भी हम जैसे कि कंडक्ट करते हैं, आप लोग डिफरेंट वर्कशॉप्स रखते हैं, ब्यूटी सेशन रखते हैं घर में आप लोगों की होम्स होती है, वो बेसिकली ब्यूटी वेम्स के लिए भी आप मजीद 5 लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं. अब कितने सिंपल से पॉइंट्स हो गए कि ये करना है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है शेड्यूल योर नेक्स्ट मीटिंग, एग्री ऑन द नेक्स्ट ओरिफ्लेम मैसेज विद योर स्पॉन्सर और लीडर. मेरे पास अगर वो बंदी आई है तो मैं उसको नेक्स्ट मीटिंग जहां भी कर रही होंगी, मिसाल के तौर पर अगर मैंने ओरिफ्लेम के ऑफिस में रखी है उसको नेक्स्ट मीटिंग मैंने रखी है स्टेप 1 की और स्टेप 1 के लिए मैंने कहा है कि तुम आना लेके ऑफिस आना अटेंड करने के लिए, तो मैं उसको ये चीज फिल कर दूंगी, उसको फिल करवा दूंगी. यहाँ पे ओरिफ्लेम मीटिंग के बारे में डेट और टाइम अवेलेबल है और ये दूसरे कॉलम के अंदर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है स्पॉन्सर या लीडर की. आपने भेजा आपका स्पॉन्सर का तो आप उसको नेम टेलीफोन और ईमेल आईडी लिख के देंगी या समटाइम आप लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन ये चीज फिल करके देंगी. इससे क्या फायदा होगा, डिटेल्स मिलेंगी हमें और कॉन्टेक्ट करने में आसानी होगी. किसको, जिनको हम किसके उनके रेफरेंस लिखवा रहे हैं ना. नहीं वो तो हमने नेम बैंक लिस्ट में किया था. अच्छा उनका पर्सनली डेटा ले रहे हैं. ये न्यू मेंबर्स को कांटेक्ट करना है, पता होगा यहाँ पर कोई पूछता है कि भाई आपका डायरेक्टर कौन है तो उसे एटलीस्ट ये पता होगा आप किसके रेफरेंस से आए हैं, आपको किसके थ्रू ज्वाइन होना है या आपका लीडर कौन है. हाईजैकिंग के इश्यूज कम हो जाएंगे आपके. आप लोगों के लीडर्स को डायरेक्टर वो जब तक बेचारे मैनेजर बनते हैं उनको पता ही नहीं होता उनका डायरेक्टर कौन है उनका स्पॉन्सर कौन है. ऑफिस में अगर आते हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती. मेजोरिटी आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को बगैर आए हुए भेज देते हैं ऑफिस के अंदर. आप वहां पे जाइएगा आप दूसरा फलाना लीडर वहां पे अवेलेबल है वो आपको गाइड करेगा. बेचारा बंदा ऑफिस में आके खड़ा हुआ देख रहा होता है, एक दूसरे से पूछ रहा होता है आप मिस फरहाना को जानती हैं. अब फरहाना तो बहुत सारी है ठीक है. तो बेसिकली आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपका जो कंसल्टेंट है वो जाया नहीं होगा. आप उसको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ दे रहे हैं और उस पर भी एक इम्पैक्ट अच्छा सा पड़ेगा कि जी मेरा स्पॉन्सर है मेरा लीडर है. उसको पहले ही दिन से अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होगा और पता होगा कि मैंने कॉन्टेक्ट किसको करना है, कॉल किसको करनी है. तो ये है वो शुरू के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो कि हमने गेटिंग स्टार्टेड में डिस्कस कर रहे हैं. और क्या आप लोगों को यकीन है ये 5 मिनट में कवर हो जाएंगे? 10 मिनट्स क्योंकि नेम बैक लिस्ट तो हम तुम टाइम देते ना टाइम दे रहे हैं उसको. नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर हमने उसको फॉलो अप लेना है तो नेम बैंक लिस्ट के लिए हमने टाइम दे दिया. हमने उसको प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं उसने ऑर्डर लेना है और लिखना है हमने उसके लिए भी टाइम दे दिया क्योंकि बैठे बैठे तो वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के ही कोड लिख सकते हैं. इसका मतलब ये कि जब कोई भी न्यू आ रहा है तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हम रेफरल से पहले उसका माइंड मेकअप करें कि भाई तुम्हें ओरिफ्लेम से क्या चाहिए. ये इम्पोर्टेंट यूजर बनना यानी कि हमारा पहले ये था कि भाई हम सबसे पहले नेम बैंक बनाए तो हमें अब स्टेप पहले नेम बैंक लिस्ट से पहले ये स्टेप इसलिए जरूरी है. वही बात कि हमने नेम बैंक भी बना लिया, हमने लोगों को इनवाइट भी कर लिया लेकिन नेम बैंक बना के जब मैं उसको कॉल के ऊपर भी अगर समझा रही हूँ अपॉर्चुनिटी कि देखो ये अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए मैं तुम्हें मीटिंग के लिए कॉल कर रही हूँ तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिर कि क्या है ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट या स्पेशली लिपस्टिक्स या हमारी कलर कॉस्मेटिक्स. वो खवातीन जो कि पहले ही दिन रिकमेंड कर देती हैं और वो फिर गड़बड़ कर देती हैं, उन्होंने खुद नहीं यूज किया हुआ होता, रिजल्ट नहीं पता होता और बहुत सारी यूजली मेकअप में हमारे पास ये इश्यू आता है और यकीन स्किन में भी आना चाहिए क्योंकि हर एक बंदा ऐसे ही कंसल्टेंट नहीं बन जाता. एटलीस्ट आपने उसको कंसल्टेशन देने के लिए पहले प्रोडक्ट नॉलेज भी तो देनी है. तो हमारे लिए यही है एग्जैक्टली. तो अगर वो नेटवर्कर भी बनता है या
डिमांड करता है तो पहली प्रोडक्ट तो वो खुद यूज करेगा, उसके फेस पे दिखेगा तो कोई दूसरा इम्प्रेस होगा कि हाँ वाकई ये हमसे कोई ब्यूटी कंपनी का बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहा है। ठीक है, और कोई इसके अलावा आप लोगों का फीडबैक जरूर दीजिए, आप लोगों के फीडबैक अगर इसके हवाले से है या अगर इससे मैम ये न्यू जो ओएम है इसकी फ्लिप चार्ट चेंज होगा? प्रिय कीना फ्लिप चार्ट चेंज होगा भी आया है इंशाल्लाह आ जाएगा, फ्लिप चार्ट डेफिनेटली चेंज होगा। आप लोगों का कोई फीडबैक है तो बिल्कुल बताएं कि हमने जीएम को डिस्कस किया है।